हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, ठीक है, लेकिन आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो इस रीडिंग में ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ओके, ये जो रीडिंग रहेगी ये सभी साइंस के लिए रहेगी, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, यह रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी समय बाद पहुंचे हैं, आप जब भी इसे देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है ये सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे आपके कोई भी उम्र है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स एंड आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, आइए चलिए, पहले आज हम मूनोलॉजी डेक से कार्ड लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड पॉप आउट हो रहा है, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। Look at the bigger picture, ठीक है, look at the bigger picture, okay, show the world the real you, ठीक है। तो व्यूअर्स, पहले हमने ये कार्ड लिए हैं, इनको रीड करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या मैसेजेस हैं इनमें आपके लिए। पहला मैसेज है, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो व्यूअर्स, डिवाइन आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और अपने लाइफ में सारी चीज़ें, सब कुछ बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हो। हो सकता है लाइफ में कोई डिसीजंस वगैरह लेने हों और वो भी आप इमोशनल होकर ले रहे हैं, या फिर इतना इमोशनल हो रहे हैं कि वो आपकी ही मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमोशनल होना है, लेकिन बैलेंस के साथ। जितना आप इमोशनल हैं उतना ही आप प्रैक्टिकल भी रहिए। अगर आप ज़्यादा या ओवर इमोशनल होंगे तो यहाँ पर आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे या कोई ऐसा एक्शन या कोई स्टेप ले लेंगे जिसको लेकर आपको पछतावा होगा कि ये मैंने इमोशंस में आके क्या कर दिया। ऐसी बात आप कह सकते हैं कि मैंने इमोशंस में आके ये कर दिया, मैंने इमोशंस में आके वो बोल दिया, ठीक है, मैं बहुत इमोशनल हूँ इससे, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स के आपके इमोशंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कोई आपके इमोशंस का फायदा भी उठा सकता है। यस, कोई व्यक्ति ये देख सकता है कि आप बहुत इमोशनल हैं और आपसे अपना काम निकलवा सकता है, एंड देन लेटर यू विल रियलाइज कि यहाँ पर आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है, ठीक है। ये आपकी वीकनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर आप इतने ओवर इमोशनल रहेंगे। पीपल विल ट्रीट इट एज योर वीकनेस एंड दे विल यूज इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोग आपके इस वीकनेस को यूज कर सकते हैं। आगे मैसेज है, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स, आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई पेन चल रहा है, या कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, लव रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस समय तो, लेकिन डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर, आगे जाके सब कितना ठीक होगा, या आज जो प्रॉब्लम चल रही है वो सिर्फ थोड़े समय की प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। आगे जाके फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगी, लव लाइफ भी बेटर हो जाएगी और फैमिली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर आगे जाके आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, या आपके रिलेटेड कोई हैं घर में, फैमिली में, जिनकी हेल्थ अगर ख़राब है तो वो ठीक हो जाएगी। तो अगर किसी की तबीयत खराब है या कुछ पढ़ाई की प्रॉब्लम है या कुछ बिजनेस या लव लाइफ कोई इशू है, तो यहाँ पर व्यूअर्स आज आपको छोटी छोटी परेशानियों पर ध्यान नहीं देना है। इतना फोकस अगर आप छोटी छोटी परेशानियों पर देंगे तो
तो आगे जाके जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है या आगे जाके जो आपका अच्छा होने वाला है वो आप देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि छोटी तस्वीर को या छोटी पिक्चर को देखकर अपना जजमेंट मत बनाइए, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा सिचुएशन को देखकर पूरे कंक्लूजन पर मत आइए, थोड़ी सी बात सुन के निष्कर्ष पर मत आइए, पहले पूरा देख लीजिए कि ये क्यों हो रहा है और आगे जाके इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तब जाके आप किसी निष्कर्ष पर कंक्लूजन पर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है। अगला मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है व्यूअर्स, शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी कि लोगों को असली आप दिखाइए, यानी कि आप असलियत में कैसे हैं, आप रियल में कैसे हैं, दुनिया को आप ये दिखा दीजिए, ऐसा मैसेज मिल रहा है। तो अगर व्यूअर्स, अगर अब तक ऐसा हो रहा था कि आप लोगों में फिट इन होने के लिए, ठीक है, ताकि लोग आपको पसंद करें या कोई आपको चूज करे या कोई आपको पसंद करे, पर्टिकुलर पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको पसंद करे, इसीलिए आप अपने अंदर चेंजेस कर रहे थे दूसरे दूसरे पर्सन के रिक्वायरमेंट्स में फिट करने के लिए अपने आप को, या किसी दूसरे के हिसाब से अपने आप को बदल रहे थे, किसी दूसरे की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने आप को चेंज कर रहे थे, अपने बिहेवियर हैबिट्स, अपने नेचर को चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। डिवाइन आपको संदेश दे रहे हैं कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी कि दुनिया को आप अपनी असलियत दिखाइए कि आप रियल में कैसे हैं। जिसको आपको प्यार करना होगा, जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, वो वैसे ही करेगा। ठीक है, अगर आपको अपने आप को बदलना पड़े किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड्स, फैमिली, लव, वट एवर इट इज, यहाँ पर आपको चेंज नहीं होना है जस्ट फॉर कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ, आप जैसे हैं वो आपको रियल में दिखाना है। ठीक है, अगर आप अपने आप अगर आप जैसे हैं अपने आप को रियल रियल शो नहीं करेंगे, या जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी सच्चाई है, अगर आप वो दुनिया को दिखाएंगे नहीं, तो व्यूअर्स यहाँ पर बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि लोग आपको जज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप दुनिया को रियलिटी नहीं दिखाएंगे अपनी अपनी कि आप रियल में कैसे इंसान हैं, तो यहाँ पर आप अपनी वैल्यू कम करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करेंगे, आप अपनी कदर कम करेंगे, और इससे ये भी हो जाएगा कि आप खुद को लेकर एक्सेप्टेंस में नहीं रहेंगे, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को आप जैसे हैं जो भी हैं खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहना, तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपनी एक डुअल पर्सनालिटी रखेंगे, इसीलिए आपको हमेशा आपकी जो रियलिटी है वही लोगों के आगे प्रेजेंट करनी है। ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, इसीलिए यहाँ पे आपसे ऐसा करने को कहा जा रहा है। आइए चलिए इस डेक से कुछ कार्ड्स लेते हैं टू गेट द क्लियर पिक्चर, और ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। ओके व्यूअर्स, पहला कार्ड आ रहा है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। व्यूअर्स वही बात आ गई, यहाँ पर मैंने कहा था ना लुक एट द बिगर पिक्चर, और यहाँ पर वही मैसेज है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि छोटी छोटी बातों को देखकर पूरा डिसीजन या पूरा कंक्लूजन मत निकालिए, पहले देख लीजिए कि आगे जाके क्या होगा, कंप्लीट पिक्चर को देखिए, छोटी चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, आगे जाके जो हो सकता है, इसका आउटकम जो हो सकता है, उस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर भी सेम मैसेज मिला है, सेम मैसेज आया है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, यानी कि आज जो हो रहा है उसके बियॉन्ड देखिए कि उसके आगे क्या हो सकता है। वही सेम मैसेज रिपीट हुआ है व्यूवर्स, इसका मतलब ये है कि सच में इस मैसेज को आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ओके, इस मैसेज को आप सीरियसली लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स डिवाइन आपको बता रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज से डर था या आप किसी चीज से घबरा रहे थे, तो आप अपने अपनी शील्ड्स को ड्रॉप कर दीजिए, यानी कि अब आपको कोई खतरा नहीं है, यू आर इन द सेफ एनवायरमेंट, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, आप ऑलरेडी सेफ हैं, यहाँ आपको कोई हार्म नहीं करेगा या आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी, यू विल बी फाइन। इसीलिए अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव मत करिए, अपने आप के लिए ओवर प्रोटेक्टिव मत बन जाइए। ठीक है, लोगों पे भरोसा कर सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा था ऐसा कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, पीपल विल हर्ट यू, पीपल विल लाई टू यू, पीपल विल चीट यू, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके प्रोटेक्शन शील्ड्स हैं वो आप गिरा दीजिए, आप ड्रॉप कर दीजिए अपनी शील्ड्स को, क्योंकि यहाँ डिवाइन और स्पिरिट्स आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यू आर इन द सेफ हैंड्स। ठीक है, चलिए लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड देन वी आर डन। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है टेक चार्ज विद अथॉरिटी।
व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको जीवन में कोई भी निर्णय लेने हैं या कुछ भी ऐसा कुछ डिसीजन लेना है अपने जीवन में, तो यहाँ पर आप दूसरों से एडवाइस मत पूछते फिरिए, दूसरों से एडवाइस मत मांगिए, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपने आप की सुनिए, खुद इवेल्युएशन करके सिचुएशन का, सिचुएशन को एनालाइज करके खुद डिसीजन लीजिए, ठीक है। किसी और का डिसीजन कॉपी मत कीजिए या फिर किसी और ने आपको एडवाइस दी है जस्ट बिकॉज द पर्सन हुम यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम, ये पर्सन इंटेलिजेंट है तो आप उससे एडवाइस ले रहे हैं तो वो एडवाइस सही होगी, ऐसा नहीं है। आप जो अपने लिए करेंगे, जो खुद से डिसाइड करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। अगला इंसान आपके बारे में इतना नहीं जानता है। तो यहाँ पर अगर दूसरे लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, आपको प्रेशराइज या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मना कर दीजिए, कह दीजिए प्लीज़ ओके स्टे आउट ऑफ माई बिजनेस, आई विल हैंडल इट, आई एम इनफ मेच्योर टू हैंडल इट, ओके। और इतना भी रूड होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ समबडी इज़ गिविंग यू एडवाइस, आप एडवाइस को सुन लीजिए, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आप वही बात मानेंगे। तो यहाँ पर टेक चार्ज विद अथॉरिटी, यानी आपको क्या करना है, आपके जीवन में क्या होगा, इसको आप डिसाइड कीजिए। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग के ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आई होप इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होगी, अगर मिली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।